तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कोटा, जो उसकी शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम शिक्षा लेने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं घूमने और डॉक्टर दिखाने। तो बनी रहेगा ब्लॉग के लास्ट तक, मजा आएगा। आपको भी घुमाएंगे कोटा आज और हम भी घूमेंगे। तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है, तो चलते हैं। आप मिलते सीधा गाड़ी में। दोस्तों अभी टोल टैक्स में रुके हैं, फास्टैग का रिचार्ज खत्म हो गया, तो पहले फास्टैग का रिचार्ज कर लेते हैं। या तो यहाँ से सीधा बूंदी आएगा, बूंदी से कोटा। तो करीब करीब पहुँच गए हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में और पहुँच जाएंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कोटा पहुँच चुके हैं और अभी पहले डॉक्टर दिखा रहे हैं, फिर बाद में घूमने जाएंगे। यहाँ पर आएंगे, फिक्स टाइम पर आए हैं, 11 बजे का टाइम था, तो 5 मिनट पहले आ गए, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिलता अभी। अभी चलते हैं, फिर घूमेंगे, गार्डन वार्डन भी घूमेंगे, चंबल गार्डन और बहुत जगह घूमेंगे, आपको भी बताएंगे, फुल मज़ा लेंगे आज। तो यहाँ भीड़ बहुत है, टाइम बहुत लग रहा है, अभी बहुत सारे पेशेंट अभी सामने, जल्दी फ्री हो जाए तो अच्छा है यहाँ से, ताकि जल्दी घर जा सके, नहीं तो रात हो जाएगी फिर जाते जाते। वैसे दोस्तों मेरी इच्छा हो रही है कि महिंद्रा XUV9 की टेस्ट ड्राइव ली जाए, क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद आ रही है वो गाड़ी। देखते हैं टाइम मिलेगा तो वहाँ पे भी जाएंगे। और स्कॉर्पियो वन उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे। तो अभी खाना खाने जा रहे हैं होटल में, एक डॉक्टर को दिखा लिया है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है, सुबह से भूखे ही है, खाना वाना खा के यहाँ से बढ़िया पंजाबी ढाबा है, फिर मिलते हैं। आप हाथ धो के खाना वाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है आज, टाइम भी बहुत हो गया है, 12:30 बज रही है अभी। और ये है रेस्टोरेंट, बढ़िया रेस्टोरेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे पंजाबी ढाबा तलमंडी में कोटा। कितना खा रहा है, मजा लेती है। हम खा रहे हैं अभी ये स्पेशल थाली, दाल बाटी की, इधर शाही पनीर है, ये पापड़ और दो स्पेशल थाली है, लस्सी। इंजॉय करते हैं इसको और फिर मिलते हैं आपसे, बहुत बढ़िया थाली है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, पार्क वार्क में घूमेंगे, यहाँ पर भी एक डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर को दिखा लिया है। बाटी कुछ ज़्यादा ही खा लिया दोस्तों, तेल ही बहुत था उसमें, घी भी बहुत था। कोटा में यहाँ पर छड़िए थे, एलन के बच्चे बहुत सारे दिखते हैं, अच्छा लगता है सबको देख के, कितने इंस्पिरेशन है सारे बच्चे। अभी आ चुके हैं हम 7 वंडर्स पार्क में घूमने के लिए और गाड़ी यहाँ पर पार्किंग में लगा दी है। यहाँ पे 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 बजे गेट खुलता है, तो अभी 2:10 हो रहे हैं, तो गेट खुल जाए फिर अंदर चलते हैं, टिकट भी कटा लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर बाहर फ़ोटो शूट चल रहा था अभी, अभी ये बिल्डिंग नहीं बन रही है यहाँ पर, किसी को रेंट ले लेना यहाँ पर मोदी ग्रुप है 7 वंडर्स पार्क का। और ये चंबल लेक के पास में बना है पार्क, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर दुनिया के साथ जो भी देखने को मिलेंगे हमें, एक ताजमहल भी है, पेरिस का टावर भी है, सब यहाँ पे ज़्यादातर फोटो सेशन के लिए भी आते हैं, तो इन्जॉय करते हैं और आपको भी बताते हैं। जुबा थोड़ा
टेढ़ा हो गया है, नीचे से बैठ गया है, ऐसा लग रहा है कभी भी गिर सकता है ये। बहुत ही रिक्शा काम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से चलते हैं पहले, आगे वो पेरिस का टावर है वो देखते हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा चंबल लेक का, बीच में वो होटल है वहाँ पे। यहाँ से सीधा चलेंगे, गाड़ी वाड़ी भी देखने का प्लान है, देखते हैं अगर होता है तो गाड़ी भी देखेंगे, नई स्कॉर्पियो है या तो कोई दूसरी। दिवाली आ रही है, आपको ये बताएंगे कौन सी गाड़ी से लेना सही रहता है नहीं रहता। तो ये देखिए फोटोशूट चल रहा है, आप सब बिजी है अभी। लेफल टावर पेरिस का, जो कि बहुत ही ऊंचा है, पर ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो इसको शो पीस के लिए बनाया गया है। ऐसे तो यही है आखिरी, और यहाँ से घूम फिर के फिर चलते हैं चंबल पार्क। लेफल टावर के यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, और ये कैमरा मैन बहुत ही बढ़िया गया आज कर टाइम से काम होगा आज। और अभी जाते हैं हम शाम को चंबल पार्क भी जाएंगे, प्लान है वहाँ पर भी अच्छा रहेगा, शाम को घूमने का मज़ा आता है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, बहुत घूम लिया यहाँ पे, थक गए, बहुत बड़ा पार्क है और बहुत टाइम लग गया यहाँ पे, थक गए यहाँ पर घूमते घूमते। चलते हैं अब यहाँ से, गाड़ी को चेक कराना है, हमारे गाड़ी का मिस्त्री है, सारा काम ये देखते हैं गाड़ी। डीलर को हमने गाड़ी दिखाई थी, वो गाड़ी पसंद आ रही है, वैल्यूएशन वगैरह लगा रहे हैं, देखते हैं कि अब तक गाड़ी की डील हो जाए, आज इसको यहाँ पे छोड़ के चले जाए, दूसरी गाड़ी लेने का प्लान है तो इसको भी निकालना पड़ेगा। वहाँ पे बातचीत चल रही है, मम्मी बैठी है उधर, देखते हैं क्या होता है। ब्रिज आई है, ब्रिज देख ले हमारे लिए, और यहाँ पर ओम बिरला का ऑफिस है, ओम बिरला। ब्रीजा वी डी आई, ये एक ऑडी जा रही है, ये क्या बात, ऑडी कितना चला हुआ है ये, 56,000 चली हुई है गाड़ी वी डी आई। ये देखो ट्रैक पलटी है, किसी तक पूरा माल ये नहीं सकता है, अच्छा ये भी आगे दे दे निकाल ले सिमेंट नहीं, रात्रि अवस्था था इतने बाद से यही कर रहे रास्ता बिल ले देवली के पास आ चुके हैं, और रात के बज रहे हैं 9, और चाय पीने रुके हैं, चाय वाय पी लेते हैं। ये होटल है कृष्णा नाम से, पहले भी आके गया था यहाँ पे, बढ़िया लोकेशन है, तो चाय पी के सीधा घर पे, अब नहीं रुकेंगे कहीं पे आज, ऐसे बहुत लेट हो गया है, रात बहुत हो गई, सुबह 8 बजे से घूम रहे हैं बाहर, तो सारा काम हो गया है, अब सीधा घर पे चलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आज के ब्लॉग में क्या करते हैं, दोस्तों किसी